अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्या बोलती है पब्लिक, आज और एक फीडबैक वीडियो बन रहा है जो हमारे गोट ओनर है काशिप भाई जो वसई में रहते हैं, उनका बकरा है हमारे पास। एक्चुअली प्योर क्या मक्की चीना होता है ये लोगों को पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग फीडबैक वीडियो बनाएंगे। तो ये ब्रीड पूरी मक्की चीना ब्रीड है, प्योर ब्लड लाइन। इसकी परख क्या है ये सब यहाँ पर। प्योर ब्लड लाइन मक्की चीना, इसके आग पे ये डाल, ये प्योर ब्लड लाइन या मक्की चीना। ये हमारे पास आया ही था, खस्सी करके आया था वो, तभी मैंने देखा तो काशिप भाई है। सलाम वालेकुम काशिप भाई। सलाम। और खैरियत? काशिप भाई आपने ये बकरा है हमारे पास कब लेके आए थे, कौन से महीने में लेके आए थे? ये आपके पास ये मुझे बराबर ध्यान में नहीं आ रहा है, महीना महीना ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आपके पास हो गया अभी 6-7 महीने। 7 महीने हो गए तो 7 महीने हो गए बकरे को आपने लेके आए यहाँ पर। तो क्या पोजीशन पे आया था, क्या वजन पे आया था? ये 55 पे 50 के अंदर लेके आए थे कुछ। हाँ, और हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह इतना उम्मीद नहीं था। तो अभी क्या वजन है बकरे का माशाल्लाह? अभी आपने पिछले महीने भेजा था, एक मार्च को मैंने आपको वीडियो भेजा था। तो क्या वजन पे था? ये भी 85 केजी पे है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले भी आप कुर्बानी करते थे, पहले आप घर पे बकरे पालते थे, तो उसमें और इसमें फार्म पे पालने का फर्क क्या है? फार्म पे अभी कैसा है कि अभी हम लोग बाहर देखते हैं जानवर, लेकिन उसमें एक मोहब्बत ही, और मतलब अभी हमारे इधर भी लोग लाते हैं। हाँ, कैसा 5 दिन के लिए लाते हैं। हाँ, और कुर्बानी कर देते हैं। तो पहले आप भी वैसा ही करते थे कि 5 दिन के लिए लेके आते थे कुर्बानी, या घर में ही पालते थे, बचपन से बड़ा करते थे और कुर्बानी करते थे? इसलिए हम लोग के घर थोड़े छोटे हैं, फ्लैट में है। और मुश्किल नहीं है, मैं भी झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन जिसको अल्लाह ताला जैसा नवाजे, लेकिन आपका दिल बड़ा है, आप बकरा खरीदे, आप पलाई पे रख रहे हो और आप बकरे का शौक कर रहे हो, तो अल्लाह ताला ये देखते हैं। घर छोटा बड़ा वो कुछ नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कैसा है अभी वो हम लोग मोहल्ले में लेके आते हैं, खाली सिर्फ काटने के लिए ही लाते हैं, जहाँ तक मेरा 5-10 दिन पहले, एक दिन पहले भी लाते हैं। अच्छा, एक दिन पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को कैसा, मेरा वाइफ है उनको बहुत शौक है। हाँ, भाभी को तो तुम्हारे से ज्यादा शौक है, मेरे को पता है, बहुत शौक है। तो ये सब शौक उनके ही है ज्यादा। अच्छा, और बस मैं उनके सपोर्टर में हूँ, और मुझे कैसे बस जानवर जो पाल के कुर्बानी करना है वो एक, मैं तो पिछली बार जानवर एक यहाँ से लिया था, उसमें मेरे को रोना भी आया। हाँ, मैं रोया भी था। हाँ, इमाम साहब बोले कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अटैचमेंट हो जाता है, और इसको तो करने का दिल ही नहीं है। लेकिन भाई ये अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, वही आपके हिसाब से हम लोग करते हैं, फैसला होता है। और ऐसा ये नहीं है, देखो मैं भी रोता ही हूँ कुर्बानी के टाइम, ये लोग हंसते हैं, ये पीछे कैमरे के वो साइड में है ना, तो मैं अभी भी ऐसा कि मेरे आंख में से आंसू निकलते जब बकरे पे सल्ला गिरता, तो ये लोग मेरा मुंह देखते हैं, ये अभी रोएगा तभी रहेगा। तो वो एक जज्बात होता है, एक मोहब्बत होती है जानवर के साथ में, वो दिख के आती है। बस अल्लाह ताला नियत कबूल करने वाली जात अल्लाह ताला की है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये फर्स्ट टाइम आप कोई फार्म पे बकरा पाल रहे हो क्या, पहले भी आपने? आपके इधर ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इधर जो रिजल्ट दिया है आपने। मैंने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने दिया, हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी सोच से बढ़ के दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ऐसा सोचा नहीं था, मैं अपनी वाइफ को भी बोला, मैं बोला ये महंगा नहीं पड़े, मार्केट के हिसाब से इतना महंगा नहीं पड़े, ऐसा है वैसा है बहुत कुछ बोला था, लेकिन मेरी वाइफ ने वही बोला नहीं, सब अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, नियत का फैसला है। देखो आया था, आपने जो रिजल्ट दिया है ना महेदे ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बेशक अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी मेहनत दी है। देखो ऐसा है, आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। काशिप भाई देखो, एक मेहनत होती है ना पूरे फार्म की, पूरी टीम की मेहनत होती है, बेशक तो ये पूरे टीम की मेहनत है, मेरे साथ में जो है, मेरे साथ में काम करते हैं, जैसा वहीद हो गया, मेरा पूरा स्टाफ है, ये इनकी मेहनत है, मैं एक सुपरवाइजर हूँ। आप काम क्या करते हो? वेल्डिंग का, फैब्रिकेशन का। तो आप भी कभी काम लेते हो तो आप खुद का काम लेते हो, तो आपके हाथ के नीचे 4-5 जन रहेंगे, तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो काम करते हुए, तो वो मेरा काम है, मेरा इंस्ट्रक्शन देने का काम है ज्यादा करके,
और ये लोग उसके ऊपर है ना मतलब इम्प्लीमेंट होता है वो काम वो तरीके से चलता है, लेकिन मेहनत इनकी है। फर्स्ट लीडर बेस्ट लीडर, हाँ वो द बेस्ट होना चाहिए और ऐसा है कि फील्ड में साथ में काम करने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट टाइम आप कोई फार्म पे बकरा रखे, पलाई पे रखे? आपके पास? मेरे पास फर्स्ट टाइम है कि पहले भी आप कोई फार्म पे रखे थे? पहले सिर्फ 3 महीने के लिए संजरी में रखे थे। अच्छा, लेकिन फिर वो ले लिए थे। हाँ ले लिए थे लास्ट, उसके बाद आपके पास? तो मतलब मैं मतलब मेरे से पहले भी आपने रखे थे? सिर्फ एक ही बार, वो भी 3 महीने के लिए रखे, लेकिन तो भी है रखे थे ना, मतलब एक एक्सपीरियंस है ईद से पहले लिए हुए, लेकिन ये अभी ये एक साल भर साल हुआ है तो ये फर्स्ट टाइम पूरा साल लिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ही फर्स्ट टाइम है। नहीं माशाल्लाह चीज अच्छी है, बस अफसोस मेरे को भी है और तुमको भी है इसको पंच करने का, जो आपने पहले पंच करके मंगाए थे। अगर ये अंडू रहता तो आज माशाल्लाह पंच नहीं करना चाहिए था। वो मैंने बकरा आया था तभी मैंने बोला था थोड़ा ब्रीड रहना, क्योंकि इसको मैंने बचपन में भी देखा हूँ, मैंने बताया जैसा मैंने इसको बचपन में भी देखा, वो जमजम गोट फार्म है जोधपुर, तेरे को पसंद आया था और अपन ने देखे थे। बाद में जमजम से ये एमडी पे गया था और इन्होंने एमडी से खरीदे, मोहम्मद भाई से खरीदे हुए, तो माशाल्लाह लेकिन उन्होंने भी अच्छे रेट में दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फायदा उठाया कि ये मक्का चीना है और प्योर ब्लड लाइन है, उन्होंने अच्छे रेट में दिया, रेट में मेरे को बताया, तो बहुत अच्छे वाजिब तरीके से वो भी काम करते हैं माशाल्लाह, और उन्होंने इसका फायदा नहीं। एक्चुअली ये कोई और चीज किसी के पास होती तो रेट कुछ ज्यादा ही हो जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कि हम लोग आए थे आरके में और हमारे को यहाँ से हम लोग आते जाते थे तो यहाँ का हम लोग ने जानवर देखे, जगह देखे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत अच्छी लगी, इसके लिए वहां से निकल के हम लोग यहाँ लेके आए। उन लोग का भी अच्छा है, ऐसा नहीं वो भी मेरा, वो भी हमारे भाई है भाई, हम लोग कम्युनिकेशन है सबका एक साथ, दिल की बात है। फैसल भाई के इधर दिल लगा तो देखो कोई मेरे दोस्त है वो वहाँ पर रखते, कोई उनके पहचान वाले वो यहाँ पर रखते, तो ये कम्युनिकेशन और हमारे बीच में ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मेरे यहाँ से वहां पर गया वहां से यहाँ पर गया, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अंदर, हम लोगों का चलते रहता है उसका। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो, बस अल्लाह ताला इसको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, आपका एक अच्छा ख्वाब पूरा हो, अल्लाह ताला इसको 100+ पे कुर्बानी करवाए आपके घर पे। नहीं ये हमारी नियत आपने दिया है, हमारी नियत खाली यही अल्लाह और उसके रसूल कबूल कर ले, कबूल कर ले, बस नियत का फैसला है। लेकिन ये आपने जो रिजल्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, खाली सिर्फ एक लोगों को देखने के लिए है, बाकी अल्लाह और उसके रसूल कबूल कर ले मेरे लिए बस वही काफी है। मैं एक्चुअली अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, काशिप भाई पहली टाइम कैमरे पे आए, थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे और नए शौकीन है, तो इनका सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई बात का तोड़ मोड़ करके कुछ गलत कमेंट नहीं करे, नए शौकीन उनको बढ़ावा दे और ताकि ये अगले साल और करे। मतलब ऐसा है कि ये एक छोटे से घर से हम लोग आए निकले हुए लोग है ना उस टाइप के, और उसमें भी बकरा अपना फैब्रिकेशन का काम करते हुए वो बकरा पलाई पे रखे हुए और बराबर टाइम पे पलाई आती है इनकी, तो ये एक जज्बा है कुर्बानी के बकरे के लिए, एक शौक है कुर्बानी के बकरे के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया काशिप भाई, आपने आरके गोट फार्म को चूज किया क्या बकरा पलाई पे रखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। पहली बात तो भाभी का शौक और बढ़वाए और अल्लाह ताला आपको और नवाज दे कि आप एक नहीं 10 बकरे की कुर्बानी करेगी और उसके रसूल के लिए। बेशक बेशक, वो तो उनके लिए ही होता है, हमारे पास तो सिर्फ गोश आते हैं, नियत के फैसले होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर आपका फीडबैक देने के लिए, और अल्लाह ताला इसको हयाती दे, इसका नाम भी बुराग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया काशिप भाई, जजाक अल्लाह खैर। और आपने जो फेमस कर दिया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई फेमस करने वाला बंदा नहीं हूँ, ये ऐसा है कि आपने बकरा रखा और आप कैमरे पे आना चाहिए मीड में, आज हमारे पास वक्त मिला, इसके पहले भी आप कितने टाइम आए और मैंने लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाया, मैंने बोला नहीं शाय रहेंगे, तो आज मैंने सामने से पूछा इजाजत है तो बनाते, तो काशिप भाई आए, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर। भाभी का शुक्रिया कि उन्होंने भी आरके गोट फार्म को चूज किया और बकरे यहाँ पर रखे, अल्लाह आरके गोट फार्म को कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। और तरक्की दे और इनके हर बकरे की कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल के लिए कबूल करे। आमीन आमीन। बस अल्लाह सबकी मेहनत कामयाब करे। आमीन आमीन। सब फार्म वाले लोगों की मेहनत कामयाब करे, हर फार्म पे से अच्छा रिजल्ट निकले, यही हमारी दुआ है, ताकि गोट फील्ड और बढ़े और शौकीन आए, पलाई पे जगह हर फार्म पे पलाई पे रखे, हर फार्म फूल हो जाए,
तो इसी के साथ मैं साइनिंग ऑफ करते हैं। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्मा बदा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, और अपने बच्चों को बकरे का शौक डाले दूसरे शौक से बचाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।